आज एनएसजी के स्थापना दिन पर मैं पूरी फोर्स को हृदय से हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। सबसे पहले मैं एनएसजी के उन 19 वीर शहीदों को नमन कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं, जिन्होंने देश की सुरक्षा, एकता और अखंडता के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान, अपने प्राणों का बलिदान देने का काम किया है। और साथ साथ मैं सभी पदक विजेताओं को भी बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, उनकी हौसला अफजाई भी करना चाहता हूं कि आपकी अद्भुत वीरता ने देश को कई मौके पर सुरक्षित रखने में आपने एक बहुत बड़ा योगदान दिया है। एनएसजी एक स्पेशल फोर्स है और मुझे एनएसजी के जांबाज कर्मियों के प्रति गर्व है। मैं यहां आया उसके पहले मैंने सुना था और आज मुझे देखकर हर्ष और विश्वास की बढ़ोतरी के साथ मैं आप आज के कार्यक्रम के माध्यम से पूरी दुनिया को कहना चाहता हूं कि सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा के मंत्र के साथ एनएसजी कमांडो की निगरानी में हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा, किसी भी आतंकवादी हमले में एनएसजी सक्षम है, समर्थ है और उसके द्वारा हम सुरक्षित। एनएसजी के कमांडो को अब तक 3 अशोक चक्र, 2 कीर्ति चक्र, 4 शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। यही बताता है कि देश की सुरक्षा में एनएसजी का योगदान कितना महत्वपूर्ण है। मित्रों, आतंकवाद किसी भी सभ्य समाज के लिए एक अभिशाप है और आधुनिक समाज में विकास के लिए सबसे बड़ी बाधा है। अपना देश आतंकवाद के अभिशाप से बहुत लंबे समय से अभिशप्त है। शायद ही कोई देश ऐसा होगा दुनिया में जिसने इतनी लंबी लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ लड़ी होगी। और मैं आज इस मंच से कहना चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अफर है, अडिग है और हमेशा इस पर विजय प्राप्त करने के लिए निश्चय है। और ये जीरो टॉलरेंस की नीति को अचीव करने के लिए आज मैंने आपका जो प्रदर्शन दिया है, देखा है, मेरा भी विश्वास इससे बहुत बड़ा है। और मैं अब देश में जहां पर भी जाऊंगा और आत्मविश्वास के साथ कहूंगा कि आतंकवाद के किसी भी खतरे से देश सुरक्षित है, क्योंकि निडर, निर्मम और निस्वार्थ एनएसजी के कमांडो हमारी सुरक्षा के लिए हमेशा उपलब्ध है। एनएसजी काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन, काउंटर हाईजेक ऑपरेशन, प्रॉक्सिमेट सिक्योरिटी और अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय समारोह की सुरक्षा प्रदान करना और बम निरोधी दस्तों की विशेषज्ञों की टीम के साथ सुसज्ज है। और इस सभी चीजों में इनकी निपुणता और कर्तव्य निष्ठा को आज हमने देखा है। और आज के दौर में जब पारंपरिक युद्ध नहीं होते और हमारे पड़ोसी ने कई सालों से पाक प्रेरित आतंकवाद से भारत हमेशा पीड़ित रहा, अभी अभी आतंकवाद के संपूर्ण उन्मूलन के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कश्मीर से धारा 370 हटाकर देश को आतंकवाद से मुक्त करने के लिए और कश्मीर को हमेशा के लिए सुरक्षित करने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। और मुझे विश्वास है कि इस कदम के बाद कश्मीर के अंदर एक चिरकालीन शांति हम प्रस्तापित कर पाएंगे। मुझे मालूम है कि एनएसजी किसी भी संकट से निपटने के लिए 24 घंटा पूरा साल तैयार रहती है और इनकी तैयारियों के कारण ही आज हम देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए विश्वस्त हैं। चाहे अमृतसर में अश्वमेध ऑपरेशन हो, अक्षरधाम में ब्रज शक्ति ऑपरेशन हो या 26/11 का
ब्लैक थंडर हो, पठानकोट के हवाई अड्डे पर का हमला हो, एनएसजी ने अपनी क्षमता को न केवल देश को पूरी दुनिया को आश्चर्यचकित किया है और दुनिया के सबसे आधुनिक से आधुनिक आतंकवाद विरोधी लड़ने के साजो सामान के साथ आज एनएसजी कमांडो को लैस देखकर मन के अंदर संतुष्टि और विश्वास दोनों का भाव जगता है। देश के ऊपर आतंकवाद के खतरे का आकलन करते हुए भारत सरकार ने 2016 में एनएसजी का पांचवा रीजनल हब गांधीनगर में स्थापित करने का निर्णय किया है और स्थापित होकर आज सुचारू रूप से कार्य कर रहा है। मित्रों, कई सारी साथ की एक्टिविटी करते हुए एनएसजी ने सबसे ऊंची माउंट एवरेस्ट को फतह कर 11 पर्वतारोहियों ने वहां भारत का झंडा फहराकर एनएसजी को एक और कीर्तिमान देने का काम किया है। 2014 से एनएसजी को कई नई टेक्निकों से लैस किया गया है। मोबिलिटी सर्वेलेंस, फायर पावर, काउंटर ड्रोन क्षमता जैसी क्षमताएं आपको प्रदान की गई है और इससे आपकी क्षमता बहुत बड़ी है। मगर मैं जानता हूं कोई भी फोर्स हथियारों का उपयोग तो कर सकता है, मगर विजय कमांडो की हिम्मत, कमांडो की जुनून और कमांडो के देशभक्त के जज्बे से ही मिल सकती है और ये तीनों जज्बे एनएसजी के कमांडो के अंदर उपलब्ध है। इसके कारण देश के गृह मंत्री के नाते आज मैं यहाँ से जाऊंगा, बहुत निश्चित होकर जाऊंगा। एनएसजी जैसी फोर्स के लिए प्रशिक्षण सबसे महत्वपूर्ण। एनएसजी दूसरे देशों की स्पेशल फोर्स के साथ प्रशिक्षण कर सर्वोत्तम कार्यशैली का आदान प्रदान भी करती है। इससे और अनेक देशों को भी फायदा हुआ है। स्वच्छ भारत अभियान, गो ग्रीन इनिशिएटिव जैसे पर्यावरण के लक्ष्यों को भी आपने बहुत अच्छे तरीके से अचीव करने में अपना कार्य दिखा है। मित्रों, आज मुझे भरोसा है कि लंबे समय से, कई वर्षों से अपने पड़ोसी द्वारा चलाए जा रहे प्रचिन्न युद्ध से और आतंकवादी गतिविधियों से देश हमेशा के लिए निपटारा पाने के लिए एक निर्णायक लड़ाई लड़ने जा रहा है। धारा 370 का हटाना और कश्मीर के अंदर हमेशा के लिए शांति की प्रस्तावना के लिए जो इनिशिएटिव नरेंद्र मोदी जी ने लिया है, वो इनिशिएटिव के बाद एनएसजी कमांडो का और आपके ट्रेन किए हुए हर राज्य के कमांडो के दस्ते को मिलाकर आपका ये जो अभेद कवच बना है, इसके अंदर देश सुरक्षित है, महसूस है और शांति और विकास के रास्ते पर चल सकता है। मैं आज डीजीएनएसजी और उनकी पूरी टीम को हृदय से बधाई देना चाहता हूं कि आज आपने प्रदर्शन कर न केवल यहां पर जो लोग उपस्थित हैं, मीडिया के माध्यम से देश भर ने आपका प्रदर्शन किया है, देखा है और ये प्रदर्शन को देखकर देश की जनता के मन में सुरक्षा की और निश्चिंता की भावना निश्चित ही निर्मित हुई होगी। और मैं आज ये कहना चाहता हूं कि हमारा विजन एक वर्ल्ड क्लास जीरो एरर फोर्स का जो है, इसके प्रति सदैव आप प्रयासरत रहेंगे। मुश्किल वक्त कमांडो सख्त और निडर, निर्मम और निस्वार्थ के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आने वाले दिनों में आप इतनी ही मुस्तैदी से देश की सुरक्षा के काम में लगे रहेंगे, देश की सुरक्षा करते रहेंगे और आतंकवाद के पूर्णतया निर्णायक खात्मे की दिशा में आपका एक कौशल देश को हमेशा के लिए सुरक्षित करेगा। ऐसी आशा व्यक्त कर ऐसी शुभकामना देकर मेरी बात को मैं समाप्त करता हूं। फिर से एक बार 19 शहीद जवानों को विनम्र श्रद्धांजलि देकर मैं मेरी बात को समाप्त करता हूं। भारत माता की जय।